आप में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी प्लेन में सफर जरूर किए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतने पावरफुल प्लेन को उड़ाने में कितना फ्यूल का इस्तेमाल होता है। एक अनुमान के मुताबिक बोइंग 747 यह एक ऐसा प्लेन है जिसमें करीब एक सेकंड में 4 लीटर फ्यूल की खपत होती है। इस हिसाब से एक मिनट में करीब 240 लीटर पेट्रोल और वहीं अगर एक घंटे की बात करें तो लगभग 14,400 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि प्लेन में लगने वाला इतना सारा पेट्रोल कहाँ स्टोर किया जाता है? प्लेन में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल इसके मेन बॉडी में कभी नहीं रहता, बल्कि इसे प्लेन के विंग्स में स्टोर किया जाता है। जी हाँ, फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाला भारी भरकम फ्यूल इसके दोनों पंखों में स्टोर किया जाता है। प्लेन का फ्यूल विंग्स में स्टोर करने का मेन रीजन है प्लेन के बैलेंस को बनाए रखना। प्लेन को उड़ाने के लिए लिफ्ट फोर्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए फ्यूल को विंग्स में रखा जाता है। मान लीजिए अगर फ्लाइट के पिछले हिस्से में फ्यूल को स्टोर किया गया तो पिछले हिस्से में ज्यादा वजन होने की वजह से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के कारण प्लेन का अगला हिस्सा उड़ सकता है। वहीं अगर लैंडिंग की बात करें तो लैंडिंग के वक्त फ्यूल कम होने पर पिछले हिस्से का बैलेंस न बनने पर प्लेन को काफी तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसी तरह का दिक्कतों से बचने के लिए विंग्स में फ्यूल को स्टोर करना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। एरोप्लेन के विंग्स काफी बड़े होते हैं लेकिन हमेशा खोखले होते हैं। फ्यूल के अलावा इसका और कोई दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइक से लेकर बस तक सभी गाड़ियों के फ्यूल टैंक उसके मेन बॉडी में होते हैं, लेकिन एरोप्लेन का फ्यूल टैंक उसके विंग्स यानी उसके पंखों में होता है। एक एरोप्लेन में लगभग 1,25,000 से लेकर 3.5 लाख लीटर फ्यूल भरा जाता है। अब आइए हम एरोप्लेन के टायर्स के फैक्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आप जब भी एरोप्लेन से सफर करते होंगे तो एरोप्लेन के बनावट और उसके साइज पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। साइज में यह काफी बड़ा और भारी भी होता है। जरा सोचिए, 200 से 250 टन वजन वाला ये प्लेन जब जमीन पर कठोर कंक्रीट से बने रनवे पर लगभग 150 से 250 मील पर आर की स्पीड से उतरता होगा तो इसके टायर को कितना प्रेशर झेलना पड़ता होगा। हैरानी वाली बात यह है कि ये टायर ये प्रेशर को रोज झेलते हैं। क्या आपने ये सोचा है कि इतना प्रेशर होने के बावजूद भी इसके टायर फटते क्यों नहीं? आखिर ये किस चीज के बने होते हैं जो इतना प्रेशर और घर्षण झेल पाते हैं? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, एरोप्लेन के टायर्स किस मटेरियल के बने होते हैं अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि एरोप्लेन के टायर 45 इंच के सिंथेटिक रबर कॉम्बिनेशन कंपाउंड के साथ बनाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम स्टील को कपड़े के साथ जोड़ा जाता है जो नायलॉन और एरामिड से बनाया जाता है। इसीलिए इस पर हाई टेम्परेचर और दबाव परिवर्तन का सामान्य हवा की तुलना में कम प्रभाव पड़ता है। प्लेन के टायर 900 पाउंड पर स्क्वायर इंच के दबाव को भी सहन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि लैंडिंग के दौरान टायर से धुआं क्यों निकलता है। अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि लैंडिंग के दौरान जब टायर जमीन पर लगते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन जब जमीन को टच करता है तो शुरुआत में इसका टायर लुढ़कने की बजाय फिसलने लगता है जब तक उसका रोटेशनल वेलोसिटी एरोप्लेन की वेलोसिटी के बराबर नहीं हो जाता। यही वजह है कि प्लेन के टायर पर कार के टायर की तरह ब्लॉक पैटर्न का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ब्लॉक पैटर्न के टूटने का खतरा रहता है। इसीलिए टायर में खांचे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका हर एक टायर 38 टन तक के भार को झेल सकता है। यही वजह है कि बहुत सारे कमर्शियल फ्लाइट में 20 व्हील्स लगाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसको कितने बार इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन के टायर लगभग 500 बार इस्तेमाल हो जाने के बाद उसे रिट्रीट करने के लिए प्लेन से हटा दिया जाता है। इसके बाद इन पर फिर से ग्रिप चढ़ाई जाती है जिसके बाद इन्हें फिर से 500 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इन पर कुल 7 बार ग्रिप चढ़ाई जा सकती है। इस हिसाब से एक टायर को 3,500 बार इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके बाद ये किसी काम के नहीं रह जाते। जहाज के टायर नहीं फटने की क्या वजह होती है? दरअसल जिस टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है वो अमूमन कभी नहीं फटते क्योंकि इन टायरों में घर्षण के कारण आग लगने की संभावना नहीं होती है। इसीलिए तेज रफ्तार के साथ जमीन पर उतरते हुए जहाज के टायर घर्षण के बावजूद गर्म होकर फटते नहीं है। टायरों में नाइट्रोजन गैस भरने की और भी कई सारे वजह है, जैसे टायरों को सड़ने से रोकता है, बेहतर गैस माइलेज मिलता है, राइड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, टायर के लाइफ को इंक्रीज करता है, टायर में होने वाली प्रेशर लॉस को कम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस एक ड्राई गैस है और इसके मॉलिक्यूल टायर के अंदर में होने वाली नमी यानी मॉइस्चर को कम करती है। नाइट्रोजन गैस पहिए में होने वाले रस्टिंग को यानी जंग लगने से बचाने में मदद करती है जिससे इसका परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।